Okay, dear children, so today we will start with compound words. As you can see, compound words means the words which are formed after combining two words. Do words ko milakar jo words bante hain, that are called compound words. Okay, beta, so you can see what is the meaning of compound words. When two or more words join together to give a new meaning is called कंपाउंड वर्ड्स. जब दो से ज्यादा वर्ड ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनता है तो वो क्या कहलाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, कंपाउंड वर्ड्स. जैसे यहाँ दो वर्ड्स है बेटा, रेन एंड बो. रेन इज अ वर्ड, रेन इज अ सिंगल वर्ड इन इटसेल्फ, राइट. एंड बो इज अनदर वर्ड इन इटसेल्फ. ये इंडिपेंडेंट आपके वर्ड्स है ना, ये अलग है, ये अलग है, ओके. और इन दोनों को मिलाकर व्हेन वी कंबाइन दीज टू वर्ड्स इट मेक्स अ न्यू वर्ड, दैट इज रेनबो. रेनबो एक नया वर्ड बनता है, ठीक है. अगेन यू कैन सी रेन प्लस कोट इज रेनकोट. सो रेन इज अ डिफरेंट वर्ड, कोट इज अनदर वर्ड. दीज आर टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स, इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं. लेकिन जो इसका मिलाकर वर्ड बनता है वो क्या है, रेनकोट, यानी जो बारिश में आप पहनते हैं रेनकोट. तो इसका जरूरी नहीं है कि ये जो दो वर्ड मिला के बने उनसे कोई रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके बेटा. सो इट ऑल डिपेंड्स. सो रेन प्लस कोट वाज रेनकोट. सन प्लस फ्लावर, सो इट मेक्स सन फ्लावर. यहाँ पर कनेक्शन है क्योंकि जो सन आने पे जो फ्लावर ओपन खुल जाता है, खिल जाता है, तो वो सनफ्लावर होता है. तो यहाँ आप देखेंगे ये कनेक्शन है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे इट मे और इट मे नॉट हैव कनेक्शन, ओके बेटा. सो सी प्लस हॉर्स, व्हाट विल कम, यस सी हॉर्स. बटर प्लस फ्लाई गिव्स यू बटरफ्लाई, ओके. तो बटर और फ्लाई मिला के ये नहीं है कि ये जो फ्लाई है इसके पास बटर है या बटर में ही रहती है या कुछ इस तरह से, बट दीज आर ओनली वर्ड्स. That when we combine two words, two independent words, and it gives a new word, it is known as compound word. The third one, which is formed. Okay. So nose plus pin. Nose है, pin है. तो nose pin कौन सी होती है जो नाक में पहनते हैं, नथनी कह सकते हैं या nose pin. Okay. Ear plus ring. So earrings, कान में पहनने वाले जो आपके top वो होते हैं कान के. फ्लावर प्लस पॉट, फ्लावर पॉट, ओके. डोर प्लस बेल, डोर बेल, ओके. नेक्स्ट स्टार प्लस फिश, स्टार फिश. हाँ, यहाँ आपका कनेक्शन है कि स्टार जैसे जो फिश होती है वो स्टार फिश. जेली प्लस फिश इज जेली फिश. यहाँ ये फिश जेली नहीं है लेकिन हाँ उसके जैसे दिखती है, इसलिए. हनी प्लस बी गिव्स यू हनी बी. फुट प्लस बॉल गिव्स यू फुटबॉल. यहाँ बॉल कोई भी हो सकती है लेकिन जो बनेगा वो फुटबॉल बनेगी, ठीक है बेटा. फायर प्लस फ्लाई, फायर फ्लाई. ड्रैगन प्लस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ओके. हाउस प्लस फ्लाई, हाउस फ्लाई, यानी जो हाउस में हमारे घरों में ये मक्खी आती है ना, तो हाउस फ्लाई होती है, ओके. दिस इज स्टिक प्लस इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट, ओके. ओके बेटा, तो दिस इज योर वर्कशीट फॉर टुडे. यहाँ पे भी आप देखेंगे दिस इज बलून एंड दिस इज अ मैन. सो इट इज बलून मैन, ओके. सो नाउ हियर दिस इज कप एंड दिस इज बोर्ड. सो व्हेन यू राइट कप बोर्ड, कप बोर्ड, सो इट इज नॉट कपबोर्ड, it is called cupboard. Cupboard मतलब जो आपकी अलमारी होती है ना, that is called cupboard. So here sun plus glasses, sun glasses, जो धूप में पहनने वाले चश्मे होते हैं, sun glasses, okay. Moving on to the next one, rain plus bow, ये जो एक कमान होता है इसको bow बोलते हैं. तो rain plus bow, what will come? रेनबो. फुट प्लस बॉल गिव्स यू, हमने अभी किया था ना बेटा, फुट बॉल, ओके. द
I hope Peter, you understood what we have discussed today. So now, if you have any problem, any query, any question, any doubt regarding this, we may start our discussion session. Thank you.